आज हम बनाएंगे आंवला का जैम। इसके लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है? 500 ग्राम आंवले, 500 ग्राम चीनी, 5 से 6 छोटी इलायची और आधी छोटी चम्मच दालचीनी। और इसके अंदर एक पैन लेकर इसके अंदर आंवले डालकर 1 से 1.5 कप पानी कप डालते पानी हैं। डालकर इसे हम अच्छे से पकाएंगे। पानी डालकर हम इसको उबालेंगे और बाद में हम 8 से 10 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे आंवले हमारे दस आंवले से बारह मिनट पके हैं में पक या नहीं। जाएंगे। आंवला को चेक करते हैं दस पके से हैं बारह या मिनट के नहीं, बाद हम आंवलों को चेक कर लेंगे, आंवले पके फिर हैं या इसको नहीं। बंद कर दिया। आंवले आंवले पक हमारे पक चुके हैं। चुके हैं। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल लूंगा। आंवले ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसके बीज निकालेंगे। इसी तरह हम सभी आंवलों के बीज निकाल लेंगे। इसी तरह हमें सभी आंवलों के बीज निकाल लिए और इसे मिक्सी के जग में डालकर पेस्ट बना लेंगे। ये हमने पेस्ट बना लिए और कढ़ाई के अंदर डालकर इसे पकाएंगे और चीनी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। चीनी को अच्छे से मिला लें और इसे धीमी आंच पर पकाते रहें। इसमें मैंने दालचीनी और इलायची का पाउडर डालकर अच्छे से मिला दिया है। और ये आंवले का जैम हमारा बन चुका है। इसे हम चेक करेंगे। ठंडा होने पर किसी कांच के बर्तन में निकाल देंगे। ये देखो हमारा जैम बनकर तैयार हो चुका है।